अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ये नया काम तैयार है, ये देखो, ये उस दिन पेंट कराया था, किसी ने घड़ी घड़ी में मार दी है, तो ये एक नया काम आज का ये तैयार है। हर वक्त कोई ना कोई नया काम तैयार रहता है। दूसरा, आज का हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये हमारी दोस्त की गाड़ी है, ये आई थी, इसके अंदर काम मुझे नज़र आए हैं, तो मेरा ख्याल है इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक दिन के अंदर। अभी अगर आप दिखा सकें कैमरे में, शायद ना नज़र आएगा, इसके इस पीस का सारे पीसों के जो रंग है ना, वो आपस में डिफरेंट है। अंदर से भी देखें तो मैट जो है ना, वो डाले हुए हैं सिविक के, ये देखें सिविक के मैट हैं, और गाड़ी की हालत देखें, मिट्टी दिखाएं कितनी है। सो चैलेंज आज मैंने जो लिया है, 24 घंटे के अंदर इस गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करना है। सो हम कोशिश ये करें कि इसको ट्रांसफॉर्म करें। सबसे पहली चीज़ जो है, जो मेरे ख्याल से इसको ज़रूरत है, वो इसका जो पेंट है, वो तो सही हो नहीं सकता ना, 24 घंटे पेंट हो सकती है, तो इसको रैप करेंगे। वो बॉयज़ आ गए, उनको मैंने बुलाया था, वो रैप होगी गाड़ी, वो उसका सारा सामान पड़ा है, वो पूरी टीम खड़ी है। कितनी देर में हो जाएगी यासिर मियां ये रैप? आठ बजे तक, देख ले, हमने 24 घंटे का चैलेंज वीडियो रिकॉर्ड करें, पता लगे कि बत्ती गई सी है, गया सी हो गया सी। मोनोग्राम आप मुझे उतार दें ताकि मैं उसको पेंट करा लूं ब्लैक। तो अब अगला टारगेट हमारे लिए ये होगा, जब तक 8 बजे तक ये गाड़ी का रैप हो रहा होगा, तो इसके जो व्हील्स है ना, अगर आप इसके व्हील दिखा सकें, तो ये बेसिकली जो क्लासिक आती थी मर्सिडीज, वो है। तो यार जब व्हील्स को उतारेंगे तो कैलिपर्स को भी मेरा ख्याल रेड कर सकते हैं, पूरी गाड़ी को रैप ब्लैक कर रहे हैं। व्हील्स मेरे पास 3-4 पड़े हैं, देखते भी आपको दिखाते हैं, बल्कि आए चॉइस कर लेते हैं कौन से डालने। यहाँ तो नहीं है व्हील, पीछे चले गए। व्हील्स का एक, जैसे कहते हैं ना, अंबार पड़े हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, उनमें से कोई एक ना एक लग जाएगा। तो सर ये एक दिन में हो जाएगा सारा? यार अंदाजा तो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हील्स को अरेंज करना। ये रैप हो जाए ना, रैप पे टाइम ज़्यादा लगना है, लाइट गई होती है, लाइट आती है, रैप को करने में टाइम लगेगा। इंटीरियर डिटेलिंग नहीं हो सकेगी आज, वो मेरा ख्याल है कल करनी पड़ेगी, लेकिन टारगेट ये 24 घंटे के, मतलब ये आज से शुरू करेंगे तो कल तक दे देंगे। AMG व्हील्स पड़े हुए हैं, ऊपर तक देखेंगे ना, पूरा हमारे पास स्टोरेज है व्हील्स का। सर आपने तो पूरा स्टॉक रखा हुआ है। हाँ, तो इनमें से कोई ना कोई व्हील निकालेंगे और इस गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करेंगे और आपको दिखाते हैं फिर। अभी फिलहाल ये काम सबसे इंपॉर्टेंट ये कि रैप हो जाए, रैप के दौरान अभी इसके हम व्हील शील निकाल लेंगे और फिर उसको जाके लगाना ही है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर करके दिखाएं आप। सो रीकैप कर लेते हैं कि मेरे ज़हन में अभी क्या है जो हम 24 घंटे में कर सकते हैं। इसकी बत्तियां देख रहे हैं, इसके अंदर ये येलो सा हुआ है, ये साफ करेंगे ताकि ये इसकी जो है ना करेक्टर लाइंस है, ये बत्तियों की नजर आएं। एक और ऑप्शन थी, इसको फेसलिफ्ट करें, चाइनीज सामान डालें, बट वो एक तो महंगा बहुत है और 24 घंटे के अंदर हो नहीं सकता। दूसरा, ये व्हील्स उतरेंगे, नीचे जो ब्रेक कैलिपर्स हैं कलर कर लेते हैं, थोड़ा लुक चेंज हो जाएगी, ताकि गाड़ी जब जिन दोस्त की है उसको अगर देंगे, फिर उसका रिएक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कैसी होती है। बिकॉज आई ये थी, इसके अंदर ना आवाज़ें आ रही थी, इसका ABS चेंज होना था, बल्कि डिग्गी में पड़ा होगा ABS, इसका ABS यूनिट पड़ा है पुराना। सो ABS चेंज हो गया, सस्पेंशन के काम थे, जीलिंग शीलिंग वो सब डल गए। ओए हो, चेक करें ज़रा। अब इसके टायर खोलने के लिए ये गोटी भी होनी चाहिए, देखते हैं वो है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये लॉक नट जो है ना, इसके बगैर ये गाड़ी ने नहीं खोलना था। चलो ये सारा कुछ तो पूरा है, तो अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू करते हैं और अब जाके चॉइस करते हैं कि रिम टायर कौन कौन से लगा सकते हैं कौन से नहीं। अच्छा सर, इसका बोनट भी तो खोल के दिखाएंगे। उम्मीद है अंदर काफ़ी सफाई होगी, जितनी गाड़ी की सीटों की सफाई है ना, उतनी अंदर भी होगी। ओए होए 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 होए, ब्रांड न्यू, मतलब ब्रांड लेदर और न्यू लेदर। इस पर तो अभी APC मार के देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। सर आपने APC का भी अच्छा खासा स्टॉक, हमने पार्किल की हर प्रोडक्ट का स्टॉक रखा हुआ है भाई। ये देखो, काम आती है चीजें, काम के लिए रखी होती है, और ये बड़े काम आएंगे भी, देखते हैं। रुको, दांत साफ करने वाले ब्रश सब रखे हैं। कौन सा पार्ट तुम्हें लगता है कि सबसे डेंजरस? ये वाला कर लेते हैं, पावर स्टेयरिंग पंप के ऊपर से। ओए होए, जहाँ जहाँ आपका हाथ नहीं जाता वहाँ वहाँ ब्रश जाएगा। बाकी पार्ट्स और इसके अंदर डिफरेंस नज़र आ रहा है आप? बिल्कुल। APC का फायदा है, इट्स ऑल पर्पज़ क्लीनर, ये हर चीज़ पे लग सकता है। कई लोगों ने अपने एंड्रॉयड स्क्रीन में डालने की कोशिश की, वो ना करें। बाकी जो है ना, इंजन के प्लास्टिक के पार्ट्स, ग्रीस के डिपॉजिट्स हैं, ये सारे देखो ना, तो ख़राब ही होगा ना, ये तो अक्ल का इस्तेमाल है। दांत ब्रश करने? नहीं सर, करके आए तो सर चलें अब यहाँ से चलते हैं। अब दो काम और है, एक हमने सिल्वर मर्सिडीज आज से 10 महीने पहले दी थी होने के लिए, उसकी कन्वर्जन वो रेडी हो गई है, वो लेनी है। वहाँ से व्हील्स उठाने हैं, इसके जो व्हील्स हैं वो चेंज कराने हैं। इन्होंने रात 8 बजे तक का टाइम दिया है, इसका मतलब ये कि 10 बजे तक कर लेंगे, लेकिन 12-1 बजे तक हो जाएगा, रात तक हो जाएगा, फूक जाएगा। इतना मुझे पता है, जब ये जाएंगे यहाँ पे गंद बिखरा होगा। 12 बजे तक ठीक है, अगर 1 बजेगा तो टाइम ऊपर हो जाएगा ना। 24 घंटे हैं भाई, 12 बजे रात तक नहीं। अभी क्या टाइम हुआ इमरान साहब? 138 हुए हैं, अभी काम स्टार्ट हुआ है, कल दोपहर 138, 24 घंटे का चैलेंज यार, खुदा दा वास्ता है, जान लेनी बच्चे दी। अभी ये मोनोग्राम उतर जाए ना, ताकि मोनोग्राम भी पेंट होने के लिए देने हैं ब्लैक के ऊपर। पियानो ब्लैक करें? ओ माई गॉड, ये देखें कैसे उतरता है, ये तंदी है जी सर। चोर किस तरह चोरी कर लेंदा है साड़ी, खुद मर्जी तो नहीं उतर रहे यार, लोग ही चोरी कर लेंदे। अच्छा सर, रैप करते हुए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? गाड़ी के ऊपर कोई कंटेमिनेशन ना हो, गाड़ी साफ हो, वरना वो स्टेक नहीं करेगी सही। जो रैप करें वो हीट गन से करें, वो भाई वो बता सकते हैं कि बेहतर क्या है। वैसे मेरा तजर्बा रैप के साथ मिक्स एंड मैच ही है, कई गाड़ियों पर ठीक चल रहा है, कई पर नहीं भी चल रहा। ओ माई गॉड, आई एम गोइंग। ओए वली,
सर इसका मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? इसका मेक मॉडल वेरिएंट पता नहीं, इसका मॉडल मुझे पता है, इसकी मेक भी पता है, यदि नहीं पता मैंने। आगे टेस्ला का लोगो बना हुआ है, पहियों में भी लाइटें पता है, आगे जाते हुए चलती है, पीछे भी आती है लाइटें। वली करके दिखाएं कैसी होती लाइट। पुश दैट ब्रेक, ये कहाँ जी मोनोग्राम ये सारे चले। C180 को लिफाफे में बंद करें। मुलाकात हो रही है यासिर मियां। हाँ जी बॉय, 24 घंटे के चैलेंज में जो सबसे मुश्किल चीज़ है ना वो ये मोनोग्राम का पेंट होना है, क्योंकि मजीद साहब ने जिंदगी में कभी कोई काम टाइम पे नहीं करके देना। और मैं गारंटी देता हूँ, अभी हम जाके जब उनको कहेंगे ना मजीद साहब ये मोनोग्राम पेंट करने, उन्होंने कहा ना तुम कितों आ गए, की लेके आ गए, इस बंदे का फोन नहीं बंद हो सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए ये नहीं फोन बंद करेगा, 6 दिन वे लेते थे बाहर की छुट्टी। अब फिलहाल मसला ये कि हमने वो रिम ढूंढने, हमारे रिम जो मेरे दिमाग में है कि हमने कहाँ रखे हुए वो ढूंढ के ला के लगाने इस पे, क्योंकि रिम जो है ना उसकी सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग एक ही रिम हर गाड़ी पे लगाते हैं, ऐसे नहीं होता, वो गाड़ी की शेप के लिहाज से अच्छे लगते हैं। और इमरान भाई फिर एज यूजुअल बिजी है मैसेज करने में, ही इज नॉट लिसनिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग। आपके फोन में मतलूबा सहूलत फराम नहीं की गई। अभी दिखाओ वो रिक्शे का इंडिकेटर चल रहा है, वो देखो आगे। ये कैसे हादसा हो गया? वो देखो वो सामने रिक्शे का इंडिकेटर हो, और पहली दफा चल रहा है और सही चल रहा है, और कमाल हो गई। इसने दिया इंडिकेटर और बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये अंकल ने सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन संभाली भी मोटरसाइकिल अंकल ने उस टाइम, क्योंकि उनका नाम है अरसलान सुबहानी, लिख के रखा है उन्होंने पीछे एत रख में लंगी। पहली प्रेडिक्शन ये कि वो होगा नहीं, दूसरी प्रेडिक्शन है अगर वो होगा तो उसने बिल्कुल ये कहना है कि सर मौसम ऐसा है, सुन हो गया, पता नहीं सुन क्या हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये इनको जो है ना पियानो ब्लैक ना कराए, इनको मैट करा दें। ओ माय गॉड, इमरान भाई मैट के लिए इजी ये होगा कि हम इसके ऊपर स्प्रे मार दें, बट ये क्योंकि क्रोम है उसके ऊपर ठहरेगा नहीं ज़्यादा देर। ओए होए होए, दुनिया का सबसे खूबसूरत हमर मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। इमरान साहब देख रहे हैं आप, मजीद साहब का नंबर बांधा है और सर मजीद साहब वो सामने नहीं खड़े हुए, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी बात सच होती नजर आ रही है। दुनिया को सामने खड़ा खड़ा है यार, गुस्से में है, देख रहा कैमरे में नहीं आएगा वो, उसको ना पता लगे वीडियो मेरे नीचे कर ले, इतने गुस्से में शक्ल बनाई मैंने कहा अल्लाह ही खैर करे। वो इन्ने ठंडे हाथ की कर रहे हैं, कम का मजदूर आदमी, काम तो जवान की मौत होती है। इमरान भाई का तो यही कहना है, इमरान भाई यार तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया हूँ मैं मजीद, ब्लैक पेंट करना है और आज ही करना है। ग्लॉस करोगे कि मैट करोगे? ये ग्लॉसी होगा। ये किसकी है? किसकी? मर्सिडीज सी क्लास, रैप हो रही है उसको बस, ये भी हमने चैलेंज वीडियो बनाई है 12 घंटे में करना है हमने, ये अभी नहीं हो सकेगा, चलो ठहर के होगा, आज हो जाएगा, कल मिलेंगे, कल मैं गाड़ी ले आऊंगा, लगा दोगे ना? हां लग जाएगी, गाड़ी रॉकेट है यहां से। आप बहुत अच्छे हो, उधार अच्छा नहीं। मजीद साहब ने आज सारे जो है ना अगेंस्ट ऑल ऑड्स इमरान हमारे मुंह पे चपेड़े मारी उस। नहीं आज मैंने बोला ना कि पॉजिटिव वाइब के ऊपर हफ्ता स्टार्ट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वापस मोड़ते हैं गाड़ी और चलते हैं रिमो की तलाश की तरफ। उठा लेकर अगला तब की बात। हेलो, ज्यादा 20 मिनट। जी जी, सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीर भेजी थी, मेरे रिम निकाल दो भाई। ठीक है, मैं निकलवा देता हूँ सर। रिम के ऊपर टायर चढ़े हुए थे, पूरा सेट था रिम टायर का ना। गाड़ी की तस्वीर भी भेजता हूँ आपको, याद आ जाएगी, नीली गाड़ी की मर्सिडीज थी, उसको हमने वाइट रैप किया था और उस पे काले रिम डाले थे। सर आ गई तस्वीर, आ गई मुझे, मैंने देख लिया सर। चले निकलवा के मुझे बता दे मैं कितनी देर में आ जाऊँ। वो MG फुल ब्लैक की भी अच्छी लग रही है। ओके सर, थैंक यू। इमरान साहब अगली प्रेडिक्शन देख लें, अभी बजे हैं दोपहर के 2, अगर ये रात 8 बजे से पहले आपको दोबारा जवाब दे जाए ना तो मुझे बताइएगा जरूर। अल्लाह करे 8 बजे भी दे जाए, खुला जवाब होगा इसकी तरफ से। दिखा दिखाएं दिखाएं दिखाएं, ये देखें, वाह, उल्टा जाएंगे, कानून की पासदारी करेंगे, कमाल नहीं करके। अब इनको दिखाना चाहिए कि भाई ये आईना है, इसको कुछ थोड़ा देखें यार। यहाँ पे वॉक ओवर ब्रिज नहीं, यहाँ पे जो सारी आंटियाँ एकदम सड़क क्रॉस कर रही हैं सर, है कहाँ है वो आगे है, लेकिन सिर्फ एक 200 मीटर चलना था बट वो नहीं चलेंगी। हाँ इधर भी नहीं, इधर भी इन्होंने पुलिस वाले ने लाइन में रोके होते हैं लोग, सबसे ज्यादा रोके होते हैं लाइन में, रोके होते हैं। मे बी सर खाना खाने गए होंगे, खाने का टाइम। ये भी बात ठीक कह रहे हैं, हो सकता है। क्या टाइम हो रहा है इस टाइम? तुम्हें लगता है भूख लग रही है? इमरान भाई लड़का इशारा दे रहा है खाने का टाइम है। सही बात है ना, खाने का टाइम है तो है। हैं? मैं साथ हूँ लड़के के साथ है। हाँ हाँ, कौन जरूरी काम से सो रही है वाला तो नहीं है? क्या हो गया भाई रेवो वाले भाई को? क्या हुआ? नहीं ब्रेक लगी थी, एक्सीडेंट हुआ नहीं, वो चाह रहा था कि हो, वहाँ से सीधा उधर गया और फिर वो देखो उसकी हरकतें, देखो क्या कर रहा है रेवो वाला, थ्रू आउट कर क्या रहा है। अब मैं दिखाऊंगा इसको कि क्या कर रहा है, ये देखो इसकी हरकतें देखो जरा। अब यहाँ से थ्रू आउट उधर कोने में गुजर रहा, मेरा ख्याल है इसके साथ है। हाँ, उसका गार्ड है ना। हाँ, अरे जो गार्ड होते हैं ना उनको बहुत ज्यादा चुल होती है भाई, रिलैक्स करके चलो, एम ही स्पेक्टिकल बनाया होता है कि हम पीछे हैं, हालांकि बजा किसी का गार्ड आज तक उसको नहीं सका इस तरह। सुजी आपका आज गाड़ी आपको डिलीवर करने का दिन है और आपने कल फीडबैक दी थी मुझे कि यार आपने बिल्कुल लड़कों वाली गाड़ी डिजाइन कर दी है, तो कोई गर्लिश नहीं थी। अच्छा एक चीज ही मैंने आपसे कहा था कि मुझे नंबर प्लेट ब्लैक कर दो, उसके अलावा कुछ किया है? हां बड़ी चीजें आई हैं, आपको सरप्राइज देते हैं। और फिर हमने 24 घंटे के अंदर कहते हैं ट्रांसफॉर्म कर दिया बिल्कुल, वो गाड़ी नहीं अंदर के
ये देख ब्लैक होने थे ना मोनोग्राम, तो मैंने उसको कहा कि चलो यार ब्लैक के बजाय इसको पिंक करते हैं। नियॉन पिंक कर दिया है, सिर्फ मोनोग्राम नहीं किए। ब्रेक कैलिपर्स नियॉन पिंक हैं, रिम के अंदर जो है सिल्वर थे उनको ब्लैक और पिंक। कितने अच्छे लग रहे हैं। वो गर्लिश गर्लिश गाड़ी अब लग रही कि नहीं लग रही? मैं तो कल वो गाड़ी चला के आ रहा था, मुझे रस्ते में डर था लोग मुझे कहेंगे कि शायद मैं पता नहीं क्या। और मुझे ये और ये एक पिंक, ये बीड़ी देखा, ये मैंने लास्ट टाइम सिल्वर देखा था। ये सिल्वर थे व्हील्स पूरे, ये ब्लैक हो गए, ये ब्लैक हो गए। और पीछे आओ, पीछे आओ। ओ माय गॉड, ये तो बहुत। सो ये चारों व्हील्स ब्लैक हो गए विद वन पिंक स्ट्राइप, मोनोग्राम पिंक हो गए LKL, और ये तुम्हारे नाम के इनिशियल्स। ये कहाँ से कराए? और इसकी लाइटें भी खराब थी, वो भी नई लग गई है। बाकी सारे जो है हमने उसको पेंट करा लिया इकट्ठा। ये क्या चीज है, ब्लैक कलर का शेड आ रहा है। ये इसके जो स्मोक लाइट्स को स्मोक इफेक्ट दिए इनको भी दिया। ये देखो इस पे भी स्मोक है, और ये ब्लैक आईब्रोज जो है इसमें बना दिए। इसमें तो टाइम नहीं लगा होगा, ये कैसे हुआ है? बस ये हो जाता है, पूरी गाड़ी का रंग चेंज हो गया था, इसको क्या फर्क पड़ता है। नंबर प्लेट तुमने कहा चेंज करनी, वो देख लो यार, सही हो गया। अब अगर आप इसका 360 दिखाएं तो अब ये गर्लिश गाड़ी लग रही है कि नहीं लग रही? ये इतनी अच्छा। एक और बात बताऊं कि ब्लैक, ये पिंक कलर सोचा किसने था पहले? पिंक कलर? हाँ। मैंने सोचा था। आपने सोचा? हाँ, मैंने सोचा। क्योंकि ब्लैक कलर में ये बहुत हाईलाइट हो रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसके साथ बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये जो व्हील के अंदर एक आर्च है ना, ये भी बड़ा आला लग रही है। ये किसका आइडिया था? अगेन अल्लाह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये सारा डिजाइन बाय SSM है भाई, आम गाड़ी नहीं रही अभी। ये सारा कुछ एक दिन के अंदर अंदर किया मैंने। तुमने कल देखी थी गाड़ी, उस टाइम तुमने फीडबैक दी थी कि ये गर्लिश नहीं लग रही थी, मैंने कहा चलो गर्लिश कर लेते हैं। और ये आपका, आपने कहा था फ्लैग लगाना है। ये तो मैं कहती हूँ ये तो दिल है ना, मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो हर बंदे को कराना चाहिए। अभी इंटीरियर की भी दो तीन चीजें हमने पार्कविल ऑटो स्टोर से ऑर्डर की हुई है, वो एक दो दिन में आ जाएगी। एक एम्बिएंट लाइट है, एक इसकी SMDs है, वो आएंगी तो वो भी लग जाएंगी। बाकी लेकिन अभी गाड़ी रेडी टू हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपकी गाड़ियों में भी लगा हुआ है? नहीं, मेरी गाड़ी पे SSM लगा है, बट ऐसा नहीं है अभी, मेरे पास ब्लैक में लगा। मैं पहले यार ये चीज मैं बता रही हूँ, मेरे पास नियॉन नेल पॉलिश पड़ी हुई है, मैं लगा के आऊंगी इसके साथ ड्राइव करूंगी। लेकिन गाड़ी की अब लुक अब सही चेंज हुई है। सुनील भाई वैसे एक बात बताएं, कि फर्स्ट गाड़ी ऐसी है जिसमें आपने पिंक कलर का कुछ एक्सपेरिमेंट किया? फर्स्ट है, फर्स्ट है। पहले मैंने अपनी गाड़ी में एसिड ग्रीन किए थे, उसमें Z3 में, ये मैं कहती हूँ ये नियॉन कलर जो है ना, इसने दिल ले लिया। यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ब्रेक कैलिपर पे लगा इसका कलर। मैं आपको बताऊँ मुझे सबसे अच्छा क्या लगा है, मुझे खुद ब्रेक कैलिपर सबसे अच्छे लगे, उसके बाद ये जो रिम्स ब्लैक आपने करा दिए हैं, फिर मुझे नंबर प्लेट क्योंकि मुझे ब्लैक बहुत पसंद है, उसके बाद मुझे ये LKL बहुत अच्छा लगा है, बहुत क्रेजी लग रहा है। बस इसे कहते हैं थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आती है, मैं भी थोड़ी बहुत गाड़ियां डिजाइन कर लेते हैं, कपड़े नहीं हम डिजाइन करते, गाड़ी डिजाइन कर लेते हैं। बहुत क्रेजी लग रहा है। ऊपर से जो आपने लाइट्स को आईब्रोज की तरह बना दिए ना फ्रंट से, वो तो पिछली वाली लाइट भी स्मोक हो गई, ये भी स्मोक हो गई, अगली आईब्रोज हो गई, तो थोड़ा मतलब रूटीन से हटके अगली ग्रिल भी ब्लैक हुई। तो खैर ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बेसिकली कोशिश की है कि गाड़ी को ट्रांसफॉर्म करें 24 आवर्स में, फिर उसने चैलेंज में दिया, पूरी बदल डाली है, मतलब पूरी बदल जाती है। हम ऐसे तो नहीं कहते गाड़ी की डील्स ओनली ऑन पार्कविल, तो पार्कविल जो है वो गाड़ी के बारे में बेहतरीन जानता भी है, और इसको ट्रांसफॉर्म करने का चैलेंज था हमारा 24 घंटे का, हमने किया। उसके बाद फीडबैक आई कि ये लड़कियों वाली गाड़ी नहीं लग रही, हमने कहा चलो इसको लड़कियों वाली लगाते हैं। तो अब आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि लड़कियों वाली अब लग रही है कि नहीं लग रही, और आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसी लगी। अगर इस तरह की और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप खुद हाफिज़ कह दें, और इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने दिमाग लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।